नित्य वंदनिया मां शारदे को नमन करते हुए दिशाबोध के आज के कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर वीके सिंह साहब, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान हरिनारायण जी, अपने विद्यालय के समस्त आचार्य बंधु भगिनी, आप सबको मेरा सादर नमन है, अभिनंदन है, अभिवादन है। इस दिशाबोध कार्यक्रम में उपस्थित कक्षा एकादश के अपने सभी भैया बहनों को मेरा बहुत बहुत प्यार स्नेह। आज का यह कार्यक्रम कक्षा एकादश के भैया बहनों के लिए आहूत है। इस कार्यक्रम का नाम दिशाबोध कार्यक्रम दिया गया, यानी कि ओरिएंटेशन क्लास। विद्यालय की छात्र छात्राएं अपनी माता पिता की भावी आशाओं आकांक्षाओं का केंद्र बिंदु होते हैं। वे देश के भावी कर्णधार हैं, राष्ट्र की अमूल्य निधि हैं, वे अपने समाज का अमूल्य धरोहर हैं। अतः इस धरोहर की अंतर्निहित शक्तियों तथा गुणों का विकास करके भावी पीढ़ी के निर्माण का कार्य विद्यालय करता है। बच्चों के व्यक्तित्व विकास में ही हमारी सभ्यता और संस्कृति का विकास निहित है। विद्या भारती शिक्षा और संस्कार के माध्यम से अपने देश के बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करता है। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने भारत का दौरा किया था और कहा था कि मैं पूरा भारत घूमा हूं, वहां पर ना ही मुझे कोई भिखारी मिला, ना ही मुझे वहां किसी तरह से कोई धन की कमी दिखाई दी। वहां पर लोगों का मोरल वैल्यू इतना ज्यादा है कि हम उन्हें जीत नहीं सकते जब तक कि हम उनकी रीढ़ की हड्डी यानी कि उनके एजुकेशन सिस्टम को न तोड़ दें। भारत को जीतना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। हमारे भारतीयों के स्वाभिमान को बर्बाद करने के लिए, हमें अपनी मूल संस्कृति से पूरी तरह भटकाने के लिए और हमारे ऊपर राज करने के लिए लॉर्ड मैकाले द्वारा नई भारतीय शिक्षा नीति हमारे देश पर थोपी गई, ताकि भारतीय शिक्षा प्रणाली व भारतीय सांस्कृतिक विरासत को पूरी तरह से नेस्त नाबूद किया जा सके और भारतीयों को भरोसा दिलाया जा सके कि हमारे भारतीय पद्धति बेकार हैं, अंग्रेजी शिक्षा नीति अनिवार्य है, अच्छी है। इससे आज हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी पुरानी भारतीय शिक्षा पद्धति कितनी उन्नत थी और समृद्ध थी। आज की पश्चिमी शिक्षा पद्धति से बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। आज हम अपनी संस्कृति को स्वयं आधुनिक शिक्षा के नाम पर नष्ट कर रहे हैं और सच्चाई यही है कि हमारा अध्यात्म, हमारी संस्कृति आज के विज्ञान से अत्यधिक समुन्नत है, संपन्न है। आवश्यकता है तो केवल उसे अपनाने की और मैकाले की मकर जाल से बाहर आने की। विद्या भारती का काम मात्र विद्यालय चलाना नहीं है, अपितु शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावी हस्तक्षेप करते हुए भारतीयता के विचार को स्थापित करना है। विद्या भारती का लक्ष्य इस प्रकार की शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना है जिसके द्वारा ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण हो सके जो हिंदुनिष्ठ एवं राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हो।
शारीरिक प्राणिक मानसिक बौद्धिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण विकसित हो तथा जो जीवन की वर्तमान चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक कर सके और उसका जीवन ग्रामीण वनवासी गिरी कंदराओं एवं झुकी झोपड़ियों में निवास करने वाले दीन दुखी अभावग्रस्त अपने बांधवों को सामाजिक कुरीतियों पोषण एवं अन्याय से मुक्त कराकर राष्ट्र जीवन को समरस सुसंपन्न एवं सुसंस्कृत बनाने के लिए समर्पित हो। आज विद्या भारती शिक्षा के क्षेत्र में देश की सबसे बड़ी गैर सरकारी संस्था है। विद्या भारती का पूरा नाम विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान है। विद्या भारती के अंतर्गत पूरे भारत में संस्कार केंद्र एकल विद्यालय शिशु बालिका से लेकर माध्यमिक वरिष्ठ माध्यमिक पूर्ण एवं अर्ध आवासीय विद्यालयों महाविद्यालयों शोध संस्थानों की कुल मिलाकर 30,000 से अधिक शिक्षण संस्थाएं हैं, जहां लगभग 1.5 लाख आचार्य आचार्याओं के कुशल मार्गदर्शन में करीब 34 लाख से अधिक छात्र छात्राएं भारतीय संस्कारों से युक्त शिक्षा ग्रहण करते हैं। विद्या भारती के अंतर्गत विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा योग शिक्षा नैतिक शिक्षा एवं आध्यात्मिक शिक्षा संस्कृत शिक्षा संगीत शिक्षा आदि का समावेश होता है। विद्या भारती शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान भी करती है। इसका अपना प्रकाशन है जो बहुमूल्य पुस्तकें पत्रिकाएं एवं शोध पत्र प्रकाशित करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने का संकल्प लेकर संघ के वरिष्ठ निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ताओं द्वारा गोरखपुर उत्तर प्रदेश के पक्की गांव में 5 रुपये मासिक किराए के भवन में 1952 में पहला सरस्वती शिशु मंदिर की आधारशिला रखी गई थी, जो बाद में विद्या भारती का प्रथम दीप के नाम से विख्यात हुआ। उत्तर प्रदेश में शिशु मंदिरों की तेजी से बढ़ती संख्या को देखते हुए इनके मार्गदर्शन और समुचित विकास के लिए 1958 में शिशु शिक्षा प्रबंध समिति के नाम से एक प्रदेश समिति का गठन किया गया। सरस्वती शिक्षा मंदिर की अच्छी शिक्षा और ऊंचे संस्कार के कारण समाज में विद्यालय की प्रतिष्ठा और लोकप्रियता दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती चली गई। परिणाम स्वरूप अन्य प्रदेशों में भी सरस्वती शिशु मंदिरों का फैलाव तेजी से हुआ और उन प्रदेशों में भी प्रदेश समितियों का गठन हुआ। शिशु मंदिर के अंतर्गत केवल पंचम कक्षा तक की पढ़ाई होती थी। कालांतर में अभिभावकों और शिक्षा प्रेमियों के इच्छा को देखते हुए कक्षा षष्ठम से द्वादश तक के लिए सरस्वती विद्या मंदिर प्रारंभ किया गया। सैने योजना के दीपक संपूर्ण देश में प्रज्वलित होने लगे। लगातार शिशु मंदिर एवं विद्या मंदिर के बढ़ते कदम ने अखिल भारतीय स्वरूप धारण कर लिया और 1977 में विद्या भारती संस्था का प्रादुर्भाव हुआ। इसके बाद सभी प्रदेश की समितियां विद्या भारती से संबद्ध हो गई। आज संपूर्ण भारत में लगभग 86 प्रांतीय और क्षेत्रीय समितियां विद्या भारती के अधीनस्थ संचालित हैं, जिनके अंतर्गत प्राथमिक स्तर से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के लगभग 18,000 शिशु मंदिर और विद्या मंदिर कार्यरत हैं। आप सभी कक्षा एकादश के भैया बहन आज यहाँ दिशा बोध वर्ग में उपस्थित हैं। आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त संस्था विद्या भारती के इस विद्यालय में आपको नामांकन मिला है। यह आप सब के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। सरस्वती विद्या मंदिर 3C का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारा विद्यालय भी विद्या भारती के अंतर्गत ही संचालित एक लाभ निरपेक्ष विद्यालय है, जो CBSE से मान्यता प्राप्त है। हमारे विद्यालय के सभी शिक्षक बहुत ही योग्य हैं, कर्मठ हैं, जो विद्या भारती के ध्येय को लेकर विद्यालय के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं। सिर्फ जरूरत है इस सुनहरे अवसर का भरपूर लाभ उठाने की।
आप सभी छात्र छात्राओं को विद्यालय प्रबंध कमेटी की ओर से विश्वास दिलाता हूं कि आपके उज्जवल भविष्य के लिए विद्यालय प्रबंध समिति सदैव तत्पर है। आपके लिए जरूरी हर शैक्षणिक संसाधन को जुटाने के प्रति विद्यालय प्रबंध समिति निरंतर प्रयासरत है। विद्यालय के अनुशासन में रहकर और पूरी तन्मयता से आप लोग पढ़ाई करें। आप लोगों में से कुछ बच्चे दूसरे विद्यालय से आए होंगे जिन्हें हमारे विद्या मंदिर के संस्कारों से कार्यकलापों से अभ्यस्त होने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, किंतु सब कुछ जल्द ही सीख जाएंगे। अपेक्षा करता हूं कि आप सब रात दिन मन लगाकर ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे और विद्यालय की आंतरिक परीक्षा से लेकर बोर्ड परीक्षा तक अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अपने विद्यालय का नाम रोशन करेंगे और अपने परिवार अपने माँ पिताजी का मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। मैं यही कामना करता हूँ। एक विशेष सूचना अपने एकादश के और द्वादश के भैया बहनों के लिए, एक विशेष कोचिंग की व्यवस्था की जा रही है जो निःशुल्क होगी और उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो चारों विषय के विशेष फैकल्टी के लोग आएंगे बाहर से और वो अपना यहाँ पर कक्षा लेंगे। जो आप लोगों को अपेक्षा करता हूँ कि अपनी तैयारी करने में और अच्छा सा अच्छा अंक हासिल करने में मददगार साबित होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।